हमारा मक्का का जो उत्पादन किया जाता है वो न्यूट्रल रेंज में किया जाता है, मतलब जो है 6.5 से 7.5 पीएच के बीच करना चाहिए। यदि हमारा मिट्टी अम्लीय है तो हम लोग उसका पहले जो लाइम से जो है मतलब चूना से जो है उसका उपचार कर लेंगे, तब हम लोग मक्का का उसमें ये फसल लगाते हैं। और यदि हमारा हाइब्रिड किस्म में है तो हम लोग एनपीके जो है 120/60/60 के दर से, यदि सामान्य किस्म है तो हम लोग उसमें जो है एनपीके जो है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का जो मात्रा 80/40/40 के दर से इस्तेमाल करेंगे। और पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा जब हम लगाते समय ही इस्तेमाल कर देते हैं, तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा लगाते समय और जो आधी मात्रा बच जाती है उसको हम लोग फिर दो भाग में बांट देते हैं। एक भाग जो है हम लोग 20 से 25 दिन के लगाने के बाद इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो मात्रा है जब उसका बाली निकलने लगता है उस समय करते हैं, तब हमारा उत्पादन में जो है 20 से 25% ज़्यादा उत्पादन मिलता है। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि उर्वरक के बारे में बताया, और चलते चलते हमारे किसान भाइयों को मक्का में कौन कौन से रोग होते हैं उससे बचाव के लिए क्या करें, संक्षिप्त में बताएं। अनुमान देखा जाता है कि जो इसमें केवल दो ही जो कीड़े का प्रकोप ज़्यादा होता है, एक तना छेदक और एक जो है पत्ती छेदक का। यदि ऐसा हो तो हम लोग सबसे पहले जो बीज उपचार करें और कोशिश करें जो है रेसिस्टेंट वैरायटी का जो है आप प्रयोग करें, जैसे गंगा सफ़ेद 2 का। इसके साथ ही क्या करें, अब क्रॉप रोटेशन का करें, फसल चक्र को अपनाएं। और जो इसके दूसरे तरह जो बीमारी इसमें बहुत कम आते हैं, इसमें जैसे डाउनी मिल्ड्यू एक बीमारी है और दूसरा जो है रस्ट आता है, तो यदि इस तरह का और चारकोल रोट आता है, तो बीज उपचार जरूर करें। किसान भाइयों को मेरा सलाह है कि कम पैसे में आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा खरीफ मक्का फसल के बारे में। अब आपको खरीफ में मक्का की खेती करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस जानकारी से आशा करते हैं इससे आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे।